हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज साड़ी इसलिए पहनी क्योंकि स्कूल में ना आज 10th क्लास का फेयरवेल है, इस वजह से। तो अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद आपको आने के बाद मिलती हूँ। बाय। व्लॉग, और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और आप मेरी हालत देख सकते कैसा हुआ है। पर अभी हम लोग ना माधव का के स्कूल में कल है फेयरवेल, इस वजह से उसकी तैयारी के लिए रुके हैं यहाँ पे। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, इसलिए मैं बाद में रुकी रहती हूँ यहाँ से। हाँ, थोड़ा गले को अच्छा लगा। और जो सामान है ना ऑर्डर दे के आए हैं यहाँ से, वादा मिल्क पी के हम लोग जाएंगे वो ऑर्डर लेने के। अभी मैं घर, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं घर पहुँच गई हूँ, और बाकी सारा एक्सपीरियंस ना बाद में आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी राइस बनाना है, खाना भी खाना है। जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी बजे 4:30 और मैंने अभी तो बर्तन वगैरह मांज लिए हैं, खाना खा के अभी हुआ है। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वरना 4 बजे उठी थी। तो उठने के बाद सबसे पहले काम मैंने किया, व्लॉग एडिट किया। तो इसीलिए आपको व्लॉग सुबह जल्दी से मिला नहीं, तो तक आप ये व्लॉग देखेंगे वो ऑलरेडी आपको मिल गया होगा सुबह ही। तो क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी इसीलिए। उसके बाद उठ के व्लॉग एडिट करके मैंने सारा रेडी होके मैं चली गई थी स्कूल के लिए। बाद में आपको बता भी नहीं सकी कि आज का प्रोग्राम कैसा था। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा, डेकोरेशन बहुत अच्छा था। टीचर का इंचार्ज था ना, उसने बहुत अच्छी तरीके से थीम भी रखी थी। कभी जो हमारा स्कूल लाइफ है ना, वो कभी भुला नहीं सकते। मैं तो मेरा स्कूल लाइफ कभी मैं भूल सकती। मेरा स्कूल मेरा सेकंड होम था इस वजह से, और जितने भी पल मैंने स्कूल में बिताए ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। इससे वो जैसे बच्चे बता रहे थे ना अपने एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते स्कूल में क्या हुआ, वैसे हम लोग मतलब उनकी मस्तियाँ सुन के एक साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज ऐसे आँखों के सामने से चले गए। तो अच्छा था प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा अच्छा था। लगता है कि कल माधव के स्कूल में फेयरवेल है। आते समय आपने देखा हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, और बस उसे कल जो भी ऑर्डर दिया है ना, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट जस्ट कलेक्ट करके जाना है। तो ऐसे सेट करके हम लोग आए हैं अभी आते हैं, इसीलिए हमें टाइम हुआ। अभी थोड़ा जो पेपर लाए थे ना मैंने कल, वो मैं घर आज भी लेके आई हूँ। अभी थोड़ा पेपर करेक्शन कर दी, क्योंकि अभी सोने का टाइम नहीं है, पर मुझे नींद आ रही है, क्या करूँ, पेपर भी करेक्शन करना है और नींद भी आ रही है। चलो सो लेती हूँ, ऐसा मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगी कि 5 मिनट सोती हूँ फिर ना 1 घंटा सोऊँगी। ऐसे आपके साथ भी होता होगा ना, आप बोलते होंगे कि मैं 5 मिनट ही सो जाती हूँ फिर तो उठ के काम करूँगी, पर जब आँख लग जाती है ना तो पता नहीं चलता टाइम का, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई। ऐसी नींद तभी आती है जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से थकी होती है उसी टाइम। तो थोड़ा करेक्शन कर लेती हूँ अभी।
नरेंद्र के कारण ना मैंने आंखों से बहुत ज़्यादा पानी भी पी गए, इससे हो रहा है। अगर मैं सोई ना तो उठूंगी नहीं, इस ऐसी वाली नींद आ रही है मुझे, ज़बरदस्त वाली नींद आ रही है। मैं ना कंट्रोल करूँगी नींद को और काम करूँगी। अभी ना टाइम हो रहा है 10:15 और मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं सुबह 4 बजे से जगी हुई हूँ, ये दोनों आके ऐसे करके सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और आज मैं खाना पहले खाना खाया फिर नहाने के लिए गई और मैं माधव को छोड़ के आई। मैंने अभी खाना खाया क्योंकि मुझे जल्दी से सोना था इस वजह से। तो आज का ये व्लॉग भी मैं सुबह उठ के एडिट करूँगी। अगर मैं जल्दी सो जाती हूँ ना तो मैं ऐसे बिना अलार्म के 4 बजे उठ जाती हूँ, तो जल्दी से सो जाती हूँ, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करती हूँ और उस फिर से एनर्जी लाने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना।